1 जून को अंतिम चरण में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार काफी जोरों पर है। भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। शिमला कांग्रेस कार्यालय में AICC मीडिया और पब्लिसिटी विंग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर देश में परिवर्तन की लहर बताते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। पवन खेड़ा ने कहा कि 6 चरण के चुनावों में इंडिया गठबंधन को देश के सभी राज्यों से समर्थन मिला है और 3 भावनाएं भय, गुस्सा और दुख देश के लोगों में देखने को मिल रही है। बदलाव की आवाज पूरे देश में आ रही है। और जब मैं कहता हूँ एक ही राज्य, तो उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों के बारे में कह रहा हूँ, जहाँ पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें आई थी, 25 में से 25 राजस्थान में, 26 में से 26 गुजरात में, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, उन सब राज्यों के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि सब जगह 3 भावनाएं देखने को मिली। पहली भावना थी गुस्से की, और गुस्सा क्यों था उस पर मैं थोड़ा विस्तृत रूप में बात करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा नौजवानों में था। आज आंकड़े आए हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के, जिसमें भारत में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। अब आप बताइए ये सुनकर गुस्सा होगा या नहीं। गुस्सा नौजवानों में इसलिए भी है, 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये आंकड़ा अपने आप में रात की नींद हराम करने वाला आंकड़ा है। हर घर में नौजवान है, हर घर में एक इच्छा है कि जो पढ़ लिख के डिग्री आई है कोई नौकरी मिले, लेकिन हर घर में ये परेशानी है, ये हताशा है और ये निराशा है कि नहीं, 10 साल हमारे बेकार गए। जिस आदमी में या जिस पार्टी में या जिस सरकार में हमने निवेश किया उससे हमें कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, इसलिए गुस्सा है। दुख इस बात का है, पति पत्नी में भी अगर आपस में कोई झूठ बोल दे तो बुरा लगता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मत बोला करिए झूठ। देश का राजा झूठ बोले देश की प्रजा से तो दुख होता है। देश का राजा धोखा दे देश की प्रजा को, देश का राजा देश की प्रजा के साथ झूठ बोले तो फिर आने वाली नस्लें बर्बाद होती हैं। इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को है कि हमने जिसको देवता तुल्य मान लिया था वो कैसा निकला। अब मैं अभी इस राज्य में आया हूं तो नड्डा जी को तो मैं याद करूंगा बड़े दिल से, उन पे मुझे बड़ा बुरा भी लगता है, अफसोस होता है। कहने को अध्यक्ष है लेकिन काम क्या दे रखा है उनको? उनको काम दे रखा है हवाई अड्डे पे जाना मोदी जी को लाने, और हवाई अड्डे पे जाना मोदी जी को छोड़ने। और अगर मोदी जी के मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जो कि हमेशा निकलता है, तो चुनाव आयोग का नोटिस किसके नाम पे जाता है? बेचारे नड्डा जी के पास जाता है, उनका कोई कसूर नहीं। अब वो इतने हताश हो गए नड्डा जी कि उस दिन कहते हैं ये नरेंद्र जो है ये नरों के इंद्र नहीं है, ये तो सुरों के भी इंद्र है, विष्णु के अवतार है। ये आए थे तो बोले थे मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते भगवान के अवतार बन गए। इस बात का दुख हम सबको है, अपने आप को कोई भगवान का अवतार कैसे मान लेता है। उस दिन कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं, आपने सुना होगा। हमने कहा साहब हम तो जानते हैं कि आप तो लॉजिकल भी नहीं है, बायोलॉजिकल तो नहीं है, आज मालूम पड़ा। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में है, 10 साल सरकार चला रहे हैं, 303 सीटें हैं, कई कई राज्यों में आपकी सरकार है, राज्यसभा में सिर्फ 1-2 कम है, बाकी आप ही हैं, हर जगह गवर्नर आपके हैं, ED आपकी है, CBI आपकी है, इनकम टैक्स आपकी है, माफ कीजिएगा आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया आपका है, इलेक्टोरल बॉन्ड सारे आपके नाम पे आते हैं, और वो जो आप और हम सब ने वैक्सीन लगाई थी, किसी ने 2 शॉट्स लगाए, किसी ने 3 शॉट्स लगाए, उसके सर्टिफिकेट पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी आप ही का था,
उनसे भी आपने 52 करोड़ का चंदा लिया उस कंपनी से भी। और जब उस कंपनी ने कहा कि हमारे वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, वो हंसता हुआ दुरानी चेहरा गायब हो गया। अब नहीं दिखता आपको सर्टिफिकेट में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। जवाब नहीं दिया उन्होंने आज तक कि उस कंपनी से 52 करोड़ आपने क्यों लिए, और क्यों नहीं उस कंपनी से आपने पूछा कि आपकी वैक्सीन में क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है मेरे देश के लोगों को। बुरे वक्त में कोई आपके साथ खड़ा रहे उसको आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। और देश का राजा बुरे वक्त में क्या आपके साथ था, यह सवाल हिमाचल के लोग जानना चाहते हैं। कोविड के वक्त तो पूरे देश के साथ नहीं था, और जब हिमाचल पे आपदा आई तो देश का राजा क्या कर रहा था? क्या एक बार भी पलट के उसने अपने दूसरे घर की तरफ देखा? चुनाव के वक्त कहते ही तो मेरा दूसरा घर है, और आपदा के वक्त आंख बंद। क्या ये हिमाचल के लोग भूल पाएंगे?